लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर दिल्ली की गद्दी संभालने जा रही है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट में या उससे पहले सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। किसानों को पेंशन। चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया था। हालांकि पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा। सभी किसानों को 6000 रुपए सालाना। इस साल अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था। इसके बाद संकल्प पत्र में बीजेपी ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी। मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट में इस पर फैसला ले सकती है। छोटे दुकानदारों को पेंशन। इस बात की संभावना है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल कर सकती है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी। जीएसटी के मोर्चे पर इस बात की संभावना है कि मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट से पहले जीएसटी को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। दरअसल बीते कुछ समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव हो सकता है। सबकी कर्ज माफी योजना। आने वाले दिनों में मोदी सरकार यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस योजना का मकसद छोटे किसान, कारीगर और कारोबारियों और अन्य सेक्टर के कम आय वाले लोगों को कर्ज माफी का फायदा पहुंचाना है। इस कर्ज माफी योजना का लाभार्थी तय करने के लिए एक खास आय और एसेट की सीमा तय की जाएगी। इसके लिए सालाना 60,000 रुपए की आय, 35,000 रुपए या उससे कम के बकाया कर्ज और 20,000 रुपए या उससे कम के एसेट को आधार बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।